Let's start with question number 2. It says Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight line 300 meter. Road in 2 minutes 30 seconds. Then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. So, सबसे पहले अगर हम इसको draw करना चाहें, तो A से start किया, B पे end किया, measurement कितना है इसका? 300 meter का. अब B से वो वापस आ रहा है, कौन से point पे? C पे. और उसका मेजरमेंट कितना है? इट इज़ 100 मीटर. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है फ्रॉम ए टू बी. सबसे पहले हमें क्या बताना है? फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड कितनी है. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन. एवरेज डिस्टेंस कितना, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी? इट इज़ 300. टोटल डिस्टेंस कितना है, सॉरी टोटल टाइम कितना है, आई एम सॉरी टोटल टाइम कितना है? 150 सेकेंड्स. अब 150 सेकेंड्स आया कहाँ से? ये देखो, 2 मिनट्स को हम कैसे लिखते हैं? 120. और 120 और 30 कितना हो गया? 150. और 150 को 300 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड इज़ डन. नाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होगा आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन. तो ए से बी तक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा स्पीड डिस्टेंस जितना ही होगा. सो यस, 300 ओवर 150, टाइम भी उतना ही लगा है, 2 मीटर पर सेकेंड. अब चेंज आएगा तो आएगा किस में? ए टू सी में. अब देखते हैं कि पहले वाले केस में क्या होगा. ए टू सी हमें जाना है और हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए. अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया आपका? पहले तो उसने ए टू बी गया, फिर बी टू सी भी आया, तो ए बी प्लस बी सी ओवर टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? ये उसने जो वापस आया वो 1 मिनट में आया था. तो पहले तो 150 सेकेंड्स हैं प्लस 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. तो ये टोटल सेकेंड्स कितने हो गए आपके? 210 सेकेंड्स. तो ये नीचे तो 210 आ जाएगा और ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा? 400. तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 40/21. और 40/21 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1/9 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस 200 हो गया और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ यहाँ पे हमारा? इट इज़ 210. तो 0 से 0 कैंसिल, 20/21 आ गया. और 20/21 को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? 0.95 मीटर पर सेकेंड. तो आप देख सकते हो कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में चेंज आया अकॉर्डिंग टू पोजिशंस. या नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3.